हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो स्पीडी, लुसेंट और रुक्मिणी सार संग्रह से लिया गया है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। किन्हेल लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है गोविंद गिरी को। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। हिंदी का पहला समाचार पत्र मार्तंड उदंत मार्टन 30 मई 1826 से प्रकाशित हुआ था। कोलकाता से संपादक इनके थे जुगल किशोर शुक्ला। कौन कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। स्वामी विवेकानंद। किसको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। यशवनी कुमार दत्त। महात्मा गांधी के साथ कौन से मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। 1940 ईस्वी में रेडकिल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। एम एन राय ने। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहां से शुरू किए थे। जर्मनी से। एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड पुस्तक। के लेखक कौन है। भगत सिंह। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा की उपाधि किसको दी। महात्मा गांधी को। किसने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। लाला लाजपत राय। किसने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई। महात्मा फूले ने। भारत का गैरीवाड़ी किन्हें कहा जाता है। तात्या टोपे को। किसने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से की है जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अली वर्दी खान। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खान को कौन सी उपाधि दी। बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। प्रार्थना समाज 1867 की स्थापना के प्रणेता केशव चंद्र सेन। भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। मेहर यूसुफ मेहर अली को। किस पुर्तगाली व्यापारी ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। सर जॉन चाइल्ड को। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था। बिहार से। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। किसके बारे में कहा गया कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। क्लाइव पिट्स का कथन है। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रंजीत सिंह। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया। 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान। पेशवा पद को कब समाप्त किया गया। 1818 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। हॉल्ट मैकेंजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। मैजनी को। तान मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा मैं अब केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई। बटुकेश्वर दत्त को। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे। दयानंद सरस्वती ने। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। एनी बेसेंट। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। लगभग 21 वर्ष। गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी। विनोबा भावे ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। जयप्रकाश नारायण। कौन फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना
नेपोलियन से की थी विक्टर जाकमा। बंग बंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। आधुनिक राजनीति दर्शन यूरोप में का जनक किन्हें कहा जाता है? मैकियावेली को। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? माइकल एंजलो की है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को। शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में कब हुआ? 1756 से 1763 ईस्वी में। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है लुईस चौदहवां का। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। किनका कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? आउट ऑफ द सैंड ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस, महात्मा गांधी का है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। कौन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किसने किया था? हंस राज ने। राजकुमार शुक्ला 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपया भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था, किसने बोला था? अंग्रेज अधिकारी एमन ने। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुआ? 1843 ईस्वी से। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकरों ने। बंगाल की राजधानी का क्रम था ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। रोनाल्ड ऑगियर ने किस शहर की स्थापना की? बॉम्बे। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान कब दिया था? 1632 ईस्वी में। तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। इस्तांबुल का पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया। नाजी के नाम से किसे पुकारा जाता था? मुसोलिनी को। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 15वीं शताब्दी में। राइट्स ऑफ मैन का लेखक है थॉमस पेन।